मेहनत लग रही है मामी यहाँ। हाँ सब नस नस खुल जाती है। अच्छा नस नस खुल जाती है। हाँ। तो दोस्तों ये नेचुरल एक्सरसाइज है जो गांव में लेडीज रेगुलर बेसिस पे करती है, आम जीवन का हिस्सा है और बहुत ही मेहनत लगती है इसमें और आपका बेली फैट जो होता है इससे वो कम हो जाता है। अरे वंशिका जो क्या खा रही है वंशिका तू? हलवा। हलवा किस चीज का हलवा? ये सूजी। अरे सूजी का हलवा है तो सूज जाएगी फिर इससे। तू क्या कर रही है? हेलो हाय आप कैसे हो? चित्री हाय बोलो। चित्रा हाय बोलो। हाय ये चित्री है। चित्री क्या कर रहे हो आप? चलाना नहीं आता मेरे को, मैं बाइक चलाना भी मेरे को नहीं आता है और मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ खेतों में और बढ़िया से चल रही है। देखो अच्छे से बैलेंस, थोड़ा बैलेंस में दिक्कत आती है कभी कभी। और ये स्टंट नहीं हो रहा है, इससे स्टंट करने की कोशिश कर रहा था मैं लेकिन नहीं हो रहा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज हम जा रहे हैं दिल्ली से, गांव से दिल्ली की तरफ। आज मंगलवार है और आपको जैसे पता ही होगा लास्ट वीडियोस में मैं अपने मामा के यहाँ आया हुआ था, एक शादी का प्रोग्राम था, लॉकडाउन में शादी थी दोस्तों। और लॉकडाउन में यहाँ 11 लोगों को परमिशन है, कोई डीजे की परमिशन नहीं, किसी चीज़ की परमिशन नहीं, लेकिन इनके घर के लोग ही करीबन 100 से ऊपर हैं। और फिर जो गांव के आस इनका परिवार बहुत बड़ा है, मतलब मेरे मामा के यहाँ का, तो बहुत सारे लोग थे लेकिन वो एक्चुअली मौसम ख़राब था यहाँ पर और कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। उधर लाइट आ रही थी जा रही थी, चार्जिंग नहीं थी मेरी बैटरीज में। और अभी आज हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर आज मंगलवार है तो ये लोग हनुमान जी को रोड चढ़ा रहे हैं। जो लोग राजस्थान से होंगे तो समझ गए होंगे लेकिन ये हमारी देसी भाषा में हनुमान जी के लिए एक तरह से भोजन प्रस्तुत करना उनके सामने, और प्रसाद सब लोगों में बंटता है, भोग लगाया जाता है हनुमान जी को और उनको चोला चढ़ाया जाता है उसके बाद में। तो ये प्रोग्राम है और हम लोग अभी आपको दिखाएंगे, दाल बाटी चूरमा बन रहा है, देख आपको रेसिपी भी दिखाएंगे, अगर पूरी तो नहीं बना पाऊँगा लेकिन। सो फ्रेंड्स अभी हम आपको दिखाएंगे रेसिपी, अंदर जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, चॉकलेट। हेलो फ्रेंड्स, लाइट बल्ब। हेलो फ्रेंड्स, भाई बोल सर। अरे पानी भर के लेकर आया ना अभी, और ये कुंडी भर रहा है फुल। और ये इमाम साहब है, उनकी दाढ़ी जो है बहुत गहरी हो गई है और बहुत बड़ी हो गई है। आपका क्या कहना है अनिल जी इसके बारे में? तो दोस्तों ये, मेरे मौसी का लड़का है सबसे छोटा वाला जिसका नाम है अनिल, और इसको दाढ़ी रखने का बड़ा शौक है, बहुत पैनी दाढ़ी रखी हुई है, अगर ये किसी के सर में मार दे तो खून निकल आए। चले जंगल में चले। और इधर ये राधे, देखो राधे क्या कर रहा है। राधे ये पाना वाना ले जा रहा है, तेरा पाना गिर गया भाई। और दोस्तों अभी हम इस घर में जा रहे हैं, यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है खाना वाना। फ्रेंड्स नाना जी से तो आप परिचित ही हो, नाना हुक्के का आनंद उठा रहे और दाढ़ी क्या चीज, और इनकी भी दाढ़ी बहुत बड़ी हो रखी है, ये दूसरों की दाढ़ी बनाते हैं लेकिन इनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है। मैं
और यहाँ पर बन रहा है दोस्तों कोई बालक छोटे ही कौन है। यहाँ पर बन रहा है दोस्तों चूरमा और ये मुठिया वाला चूरमा बनेगा तो उसके लिए मुठिया सेकी जा रही है यहाँ पर। ये सारा देसी घी है, ये बन के तैयार हो रही है। और दोस्तों ये बन रहा है गोविंद गट्टा और बेसन गट्टा, सॉरी गोविंद गट्टा नहीं बेसन गट्टा बन रहा है। और बेसन गट्टे की रेसिपी इससे पहले मैं आपको दिखा नहीं पाया, इसमें बेसन है, इसमें ऑयल डाला है और आपको सौंफ दिखी रही हुई, सौंफ और अजवाइन और मिर्च मसाला, और सबको गूंथा गया आटे की तरह। और अब इनको ऐसे गोल गोल लंबी लंबी इसकी लंबा लंबा बना रखा है इसको। नंदराम जी हाय बोलिए पहले तो। हाय, कहाँ से आ रहे हो आप? हम नगर से आए हैं अभी। अच्छा, क्या लेके आए हो? सामान लेके आए, सब्जी लेके आए हम। अरे ये नहीं अपनो देश भैया, ये नहीं अपनो देश मन पर देसी रे, ये नहीं अपनो देश सत की कहना सत पे रहना, आनंद रूप किसी का भय ना, मन पर देसी रे ये नहीं अपनो देश। कुटिया थी उनकी मार लगाई जा रही है यहाँ पर, और मार लगाने वाला है राधे। अब तो कूट रहे हैं दोस्तों इसे भर के, जिससे ये थोड़ा पतला हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जब बनाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा कूटना बड़ा बहुत मुश्किल है। कैसे कही मक्खन झलाया और दोस्तों देखो इसके अंदर स्थिति क्या हो चुकी है, चूरन बन गया इसका और कट्टा भी पड़ गया, फट गया एक जगह से। ही देखो क्या हालत हो गई है इसकी, इसमें से जो मोटा मोटा है उसको फिर से इसमें कट्टे में डालेंगे और फिर से कूटेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनाए। देखो दोस्तों देखो बिल्कुल सॉफ्ट है, और फ्रेंड्स अभी दलिये का आनंद लिया जा रहा है, गांव की देसी छाछ के साथ बना हुआ दलिया। चीरक मेनू कोई पुछवा के लियो काम करें ये बेटा लिख दो इधर वो काट दो काट दो यार हाय हाय बड़ी मार दिया और ये भीड़ बढ़ते हुए रमेश मामा जो है आनंद ले रहे हैं और ये रोहतास मामा बस बढ़िया है। और ये अभिमन्यु
ना के आया अभी तो दांत दिखा रहा है देखो कितने बड़े बड़े दांत हैं भाई तब पैसे भी ले और ये बंदी दिए हैं गुजरात से आए हैं क्यों नीचे तू हमें बोले नहीं और बाकी इसके तो मुलाकात हुई गई आपकी और ये गुजरात से आए तो बल्ली जी गुजरात में कोरोना कैसा फैल रहा है सही चल रहा है सही चल रहा है और राजस्थान में आगे कोरोना खत्म हो चुका है हाँ बिल्कुल जाम हो गए देखो भीड़ भाड़ कितनी है यहाँ पर दोस्तों कोरोना खत्म हो चुका है और ये देखो ये बहुत ही स्पेशलिस्ट कुक है और ये देखो प्याज इनका काटने का तरीका और देखो चाकू इन्होंने ले रखा कितना बड़ा जैसे कुछ पता नहीं क्या काटते इससे ये बंटी दोस्तों और एक काट रहा है प्याज और ये सभी लोग लगे हुए हैं मिलजुल कर काम कर रहे हैं और ये नंदू ये प्याज काट रहा है इनके पास छोटे छोटे चाकू है इसके पास बहुत बड़ा चाकू है और फ्रेंड्स अब इसमें गट्टे डालने का टाइम आ गया है पानी खोल गया है और ये देखो एक एक करके इसमें डाल रहे हैं खोलता हुआ पानी तो फ्रेंड्स जो गट्टे जो पक गए हैं वो पानी में ऊपर तैर रहे हैं देखो जो तैरने लग जाते हैं उसको हम अलग निकाल के रख देते हैं तो बड़े सावधानी से निकालने पड़ते हैं किरेना इसलिए और फ्रेंड्स ये बन रही है बाटी बेसन नमक और अजवाइन और आटा और मोमन वगैरह डाला जा रहा है घी का और दोस्तों देखो यहाँ पर प्लानिंग चल रही है ये प्लानिंग में चलाया तू ये देखो हाँ और ये लीडर है प्लानिंग करने वाले इधर एक और मानस थी बैठा हुआ सालेग्राम ये मनीष है आप सर भी फोन कर रहे थे पहले ब्लॉग में आए नहीं है ना कभी और ये फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आ रहा है और साइड से फोटो ली गई है इनकी इनकी साइड से फोटो ली गई है सामने से देखो सामने से ऐसे दिखते हैं वैसे छोरा बहुत सीधा है और इसके बारे में दो शब्द मैं कुछ कहना चाहूंगा बहुत सीधा छोरा है ये और दिन भर ये आईफोन में लगा रहता है बहुत क्या हो गया सिस्टी गले में कल दर्द हुआ था और आज गर्म पानी पिया था रात को कर और फिर गले में था सृष्टि का गला बैठा हुआ है तो उसकी आवाज में चेंज आपको दिख रहा होगा और ये कामिया हमें बस यही बोलती रहती है और हम अभी चाय पी रहे हैं और सामने काम कर रहा है हमें चाय पी रहे हैं पापा दोबारा कर हमारा हमारा कर तो करें ले इनके साथ भी कर इनके साथ भी कर चीयर्स कर चीयर्स कर चीयर्स कर चीयर्स दोस्तों इनसे मिलिए ये है सुरज्ञानी नाना और ये देखो मूंछों पे ताव देते हुए और दोस्तों जो वहाँ पर बाटियाँ सेकी जा रही है उनको यहाँ पर चक्की पे लाके पीसा जा रहा है यहाँ से इसको इसमें डाला जा रहा है और ये इसमें चक्की में पिस के और इस तरह से निकल के आ रहा है हमें जाकर
दोस्तों इसमें चने की दाल डाल दी है, यहाँ पर दाल बन रही है दाल बाटी चूरमा के लिए, यहाँ पर और दाल रखी है बहुत सारी। और ये सतीश जो है मिर्चों के डांड अलग कर रहा है, ये देखिए और साथ में किशन लाल भी है। पंडित जी क्या हाल है? हेलो तो नंदराम कौन है बच्चा? ये मेरी सिस्टर का लड़का है। अच्छा क्या नाम है इसका? इसका नाम है चीकू। चीकू तो दोस्तों ये कविता का लड़का है, आपने देखा होगा एक वीडियो में और ये पहले भी आया है हमारी वीडियो में। अभी इसकी तबीयत खराब है, नींद आ रही है। हाय कर चीकू, आएगा ना कैमरा एक तरफ? हाय करो, हाय करो, हाय इधर। सृष्टि, सृष्टि मीना, सृष्टि मीना आई, सृष्टि मीना देख लो पापा भी बोल, और इसका गला बैठा हुआ आज और ये भी मन्नू। Thank you.
क्यों मरनी मंगवा लो बहुत क्रिकेट टेक करो वीडियो मरनी करना लगा रखा देखो भाई, मास्क उतारेगा और अपनी शक्ल का राज हटा देगा। क्यों? तो दोस्तों ये है हमारे समय मामा, आपने पुरानी वीडियो में नहीं देखे होंगे क्योंकि ये थे नहीं, यहाँ पर कई बार गए हुए थे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सचिन। क्रिकेट खेलते हो क्या आप? आता खेलना आप? आता है। आपका नाम क्या है? गौरव मीणा।
फ्रेंड्स दिल्ली वापस जा रहे हैं, आज कल नहीं गए, आज सुबह निकल दिए जल्दी। और अभी हम पहुंच चुके हैं बीवा पहाड़ी। पीछे देखो पहाड़ों का सा एहसास कराता हुआ ये क्षेत्र, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र जैसा है राजस्थान। तो फ्रेंड्स अभी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और मेरे साथ एक सवारी बढ़ गई है, सवारी है मम्मी। अभी हम लोग सारे वापस जा रहे हैं दिल्ली। और बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है सुबह के टाइम। कहाँ जा रहे हैं वंशिका? दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं। मन कर रहा है जाने का दिल्ली? हाँ। मन कर रहा है। यो किसी किसी दीजिए बेटा, मैं किसी दे चीज दे लाऊंगी दादी को। दादी किसी है? अब तो आप ही पा रहे हो, अजीब दिखा रहा है। हेलो करो डर जा, अठड़ियो। हेलो करो, हेलो इसको निकल, इसको अठड़ियो। सभी रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए और मशीन रुकी है 2 मिनट के लिए। अभी मशीन काम नहीं कर रही है, लॉक हो गई है, तो अभी वेट कर रहे हैं हम यहाँ पेट्रोल रुके।